दोस्तों यदि वैज्ञानिकों की माने तो धरती पर आज पक्षियों की 10,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कई पक्षी बेहद शांत किस्म के होते हैं, जबकि कई इतने खतरनाक भी होते हैं कि पलक झपकते ही अपने शिकार को मौत के घाट उतार दें। वैसे ज्यादातर पक्षी अपने भोजन के लिए कीड़े मकोड़ों, कीट पतंगों और फसलों पर निर्भर होते हैं, लेकिन वहीं कई पक्षी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार करना जानते हैं। साथ ही इन्हें एक बात और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है कि ये अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं धरती पर पाए जाने वाले इन सबसे खूंखार पक्षियों के बारे में। कॉर्मोरेंट। दोस्तों कॉर्मोरेंट नामक ये जीव समुद्री पक्षियों की एक बेहद ही अनोखी प्रजाति है। कदकाठी के मामले में ये किसी बत्तख की तरह होती हैं, मगर बत्तख की तुलना में इनकी भूख का कोई मुकाबला नहीं होता। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि किस तरह ये एक झटके में पूरी मछली निगल गया, और केवल एक ही नहीं बल्कि एक के बाद एक गपागप सारी मछलियों को निगलता गया। यदि आप इस वीडियो को देखकर हैरान हैं, तो जरा आप ये वीडियो देखिए जिसमें कि एक कॉर्मोरेंट पक्षी अपने से बड़ी ईल मछली को यूं ही निगल गया, जो देखने में वाकई काफी हॉरिफाइंग था। ये पक्षी बड़े शिकार को खाने के लिए अपनी गर्दन को फैला लेता है, और यही वजह है कि बड़ी बड़ी मछलियां इसके गले में आसानी से उतर जाती हैं। पेलिकन। दोस्तों इस पक्षी को आप इसकी लंबी चोंच और उसके नीचे थैलीनुमा हिस्से से पहचान सकते हो, जिसे गुलर पाउच कहा जाता है। और ये पाउच इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट होता है कि इसमें बड़ी बड़ी मछलियां तक फिट हो जाती हैं। और ये जब भी कोई मछली खाता है, तब आप उसे इनकी पाउच में फड़फड़ाते भी देख सकते हैं। ये जानवर झुंड बनाकर दूसरे पक्षियों के समूह में घुस जाता है और एक के बाद एक पक्षियों को खाते चले जाता है। दोस्तों मछलियों का शिकार करते समय इस जानवर की पाउच में कई बार पानी भी जमा हो जाता है, जिसे यह अपनी चोंच से बाहर निकालते हैं। दोस्तों वैसे क्या आप जानते हैं कि ये जीव पिछले 30 मिलियन सालों से धरती पर जिंदा है, और इसके सबसे पुराने अवशेष फ्रांस में खोजे गए थे। सीगल। दोस्तों ये पक्षी अक्सर समुद्री इलाकों के आसपास पाया जाता है, लेकिन कई बार शिकार की तलाश में ये शहरों में भी देखने को मिल जाते हैं। इस पक्षी की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बेहद ही चालाकी से शिकार करते हैं, और कबूतरों का झुंड देखते ही ये शिकार करने कूद पड़ते हैं। एक बार झुंड में घुसने के बाद ये दबे पांव सिर झुकाकर कबूतरों की तरफ बढ़ते हैं, और मौका मिलते ही शिकार को दबोच लेते हैं, जो देखते ही देखते शिकार को पूरा निगल भी जाते हैं। कबूतर के साथ ही साथ ये पक्षी चिड़ियाओं का भी शिकार करता है, और चिड़िया को तो ये ऐसे निगल जाता है कि पता तक नहीं चलता कि इसने अभी कुछ खाया भी है। मगर ये जानवर ऐसा कैसे करता है, तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। सीगल पक्षी देखने में भले ही छोटे हों, लेकिन जब ये अपना मुंह खोलते हैं, तब किसी दानव से कम नहीं लगते। इनका मुंह इतना बड़ा होता है कि ये चिड़िया, कबूतर, चूहे के साथ साथ खरगोश के बच्चों तक को यूं ही निगल लेते हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि एक पक्षी जो सांप का शिकार करता है, वो भी इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में खाना पसंद करता है। लेकिन सीगल एक ऐसा पक्षी है जो सांप तक को जिंदा निगल जाता है। साथ ही ये पक्षी इतना ज्यादा निडर होता है कि खाने के लिए किसी भी जानवर से भिड़ लेता है, और कई बार तो ये इंसान के हाथों से भी खाना चुरा कर 9-2-11 हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यार अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आते रहना ऐसी ही वीडियोस रोज देखने के लिए। तो टाटा बाय बाय।